प्लस 1100 रुपये पी एफ करता है, ईएसआई करता है, उसके बाद बस का करता है 550, कटने पिटने के बाद 21,000-20,000 रुपये इन अकाउंट आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा छपरा बिहार से। देखिए अभी होंडा कार इंडिया लिमिटेड में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है। 2022 में पहली बार 2 साल के लिए ये कंपनी कैंपस कर रही है, मतलब कि 2022 में पहली बार कैंपस करने आ रही है, ठीक है। वैसे ये लेती है जॉब के लिए 2 साल और अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल। जो भाई अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं होंडा कार इंडिया लिमिटेड से, उनको पहली साल मतलब अप्रेंटिसशिप में 14,000 मिलेगा। उसके एक महीने बाद गैप दे करके ज्वाइनिंग कराई जाती है, थोड़ा भी परफॉर्मेंस सही रहता है तो उसके बाद वहाँ पर इन अकाउंट 20,000 रुपये सैलरी आएगी। शनिवार रविवार ऑफ रहता है, शनिवार को ड्यूटी आते हैं, 150 रुपये घंटा ओवर टाइम मिलता है, 9 घंटे का 1350 रुपये मिलेगा, और डबल ओवर टाइम करेंगे तो उसका भी 1350 रुपये मिलेंगे, एड होंगे 150 रुपये प्लस ओवर टाइम। 1100 रुपये पी एफ करता है, ईएसआई करता है, उसके बाद बस का करता है 550, कटने पिटने के बाद 21,000-20,000 रुपये इन अकाउंट आएगा, ठीक है। ओवरऑल बात करें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सब बात वीडियो में बताया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन इसमें नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। उसमें जॉब कैसे लगेगा, आपको कैंपस में जाना होगा, कैंपस में जाने के बाद एक एग्ज़ाम होगा 40 नंबर का, जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 8 मार्च को ये कैंपस लगने जा रहा है, गवर्नमेंट आईटी उज्जैन मध्य प्रदेश में, आप लोग वहां पे जा सकते हैं। पहले एग्ज़ाम होगा, पहला बैच में आप लोग मतलब कि जा सकते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसे देना है, क्या करना है, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू होने के तुरंत बाद मतलब कि 4-5 घंटे में आपको लेटर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे कंपनी में आ सकते हैं, गार्ड से इंटर लेकर के वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कंपनी में आप लोग आते हैं, जिस दिन आते हैं उसी दिन से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो मेडिकल में आँख टेस्ट होता है, ABCD पढ़वाया जाता है, और कान साफ करवा करके आइएगा जब मेडिकल में आना होगा। उसके बाद BP चेक होता है, तो BP में आप लोग जब मेडिकल में जाएंगे तो चाय, अगर आपको BP की प्रॉब्लम है तो चाय नहीं पीजिएगा सुबह में, नहीं तो BP अगर मैं छटेंगे तो 700-800 रुपये लगेगा, बाहर से मेडिकल करा के लाना होगा, जो कि 2-3 घंटे का लॉस होगा, वो पैसे का 1,000 रुपये का लगभग लॉस होगा। और जितने भी भाई गुटखा बीड़ी तंबाकू जो भी खाते हैं, खाने से दांत ख़राब हो गया है, दांत सफाई करके ही आए यहाँ पे, वो भी चेक होता है, ठीक है। मेडिकल में इतना कुछ चेक होता है, और 1-2 एग्ज़ाम छोटा छोटा होगा जो पढ़ाया जाएगा, वही एग्ज़ाम होगा जो कंपनी में ही होगा, कंपनी पढ़ाया जाएगा। मतलब जिस दिन से इंट्री लेंगे 1-1.5 महीने तक ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग का पैसा भी मिलेगा इन अकाउंट, ठीक है। जो भाई 1 साल के लिए जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, 19, 20, 21 जो पास आउट है ITI में ऑल ट्रेड, और जो जॉब के लिए जा रहे हैं 2 साल के लिए ऑल ट्रेड, एनी पास आउट ईयर मतलब कोई भी पास आउट चलेगा, सैलरी 20,000 इन अकाउंट, 24,000 भाई दिया गया है, ठीक है। लेकिन 24,000 नहीं मिलती है, अभी मैं अभी दोस्त से बात किया हूँ, 19,500 रुपये इन अकाउंट आती, जब मैं था तो 18, 18.5, 18 ऐसे कुछ आता था, ठीक है। 2 साल का एज रहने वाला है 18 से 25 साल के बीच में, अगर 2 साल के लिए जॉब ले रहे हैं तो, ठीक है। अगर पहली बार अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं तो 18 से 23 साल होनी चाहिए। कुल पद 200 लिए जाएंगे, ठीक है। लगभग 100 FTC के लिए, 100 अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। पूरी ओरिजिनल नोटिफिकेशन के साथ आपको इस वीडियो को बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, चलिए आपको अब नोटिफिकेशन ही दिखाता हूँ। देखिए ये ITI की तरफ से निकाली हुई नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मोहर भी लगा हुआ है, सुनील कुमार ललावत प्रधाना अध्यापक जो भी है। यहाँ पे देखिए कार्यालय प्राचार्य मतलब कि गवर्नमेंट ITI प्रशिक्षण मतलब कि गवर्नमेंट ITI उज्जैन मध्य प्रदेश से निकाली गई नोटिफिकेशन है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की सूचना यहाँ पे दिया गया है, होंडा कार का डिटेल दिया गया है, एलिजिबल ट्रेड फिटर मशीनिस्ट टर्नर डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक पेंटर फाउंडरमैन वेल्डर ड्राइवर, ठीक है। जो भी ये ट्रेड है इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है भाई, इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले जैसे कि होंडा कार लेती है इलेक्ट्रीशियन, लेकिन इस नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रीशियन नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर भीड़ ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रीशियन वाले को ऐसे पहले साइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो दिया ही ये बोल करके कि नोटिफिकेशन में जब दिया ही नहीं है तो तुम आए हो क्यों, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन भी लेती है होंडा कार, जैसे कि मेरा सन्नी कुमार राय दोस्त है, वो इलेक्ट्रीशियन है, उसका भी ज्वाइनिंग हुआ था और भी बहुत लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, आपका भी होगा इलेक्ट्रीशियन है तो नेक्स्ट वैकेंसी में। जेंडर केवल
मेल कैंडिडेट वहाँ पे जा सकते हैं। कुल वैकेंसी 200 रहने वाली है, लगभग 100 अप्रेंटिसशिप के लिए और 100 एफटीसी के लिए। एफटीसी का मतलब दो साल वाला और अप्रेंटिसशिप एक साल के बाद फिर 2 साल 3 साल, ठीक है। पास आउट एनी पास आउट ईयर एफटीसी के लिए और 19, 20, 21 पास आउट जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। उसके पहले वाले भी होगा लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी। 13,250 प्रति महीना सैलरी रहेगी। और जो एफटीसी के लिए जो 24,000 यहाँ दिखाया गया है, इसके लिए अगर एलिजिबल होना चाहते हैं तो न्यूनतम मतलब कि एक्सपीरियंस 6 महीने का होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रीज का, ठीक है। जॉब लोकेशन टपुकरा राजस्थान में रहने वाला है, जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, वहाँ से इफ्को चौक जाएंगे मेट्रो से, वहाँ से जाएंगे धारूहरा, 40 रुपये लगेगा, वहाँ से 20 रुपये लगेगा, तो होंडा कार के गेट पर उतर जाएंगे, ठीक है वहाँ पे। और 8 मार्च को ये कैंपस लगने वाला है सुबह 10 बजे, मतलब सुबह 8 बजे आप लोग वहाँ पे पहुँच के खाना पीना खा कर रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से इंट्री कराया जाएगा, पहला बैच में आपको जाएंगे, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, पहले पहले सब कुछ हो जाएगा आपका, 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का इधर बारे में बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। सभी स्टूडेंट अपना रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटो और दस्तावेज की फोटो कॉपी, दस्तावेज की फोटो कॉपी क्या लेना है, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 12वीं है अगर तो सर्टिफिकेट मार्कशीट ले लीजिएगा, ITI का ऑल सेमेस्टर का सर्टिफिकेट मार्कशीट ले लीजिएगा, जो भी है मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, और फोटोकॉपी ले लीजिएगा, लगभग दो कम से कम फोटोकॉपी ले लीजिएगा। और केवल मध्य प्रदेश के छात्र सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं, मतलब कि ओनली फॉर मध्य प्रदेश का कैंडिडेट इस कैंपस में भाग ले सकते हैं, ठीक है। भाग लेंगे दूसरे वाले को नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, तो भाई कंफर्म दिखा दिया है कि ओनली मध्य प्रदेश छात्र हेतु यह है वैकेंसी। और आपको दिखा दे कि भाई दूसरे स्टेट वालों के लिए तो बहुत ही बैड न्यूज हो गई, कोई बात नहीं भाई, आप लोग के लिए मैं लाऊंगा और ज्वाइनिंग 100% कराऊंगा, ठीक है। जो भी यूपी बिहार झारखंड राजस्थान से जो भी लोग हैं ज्वाइनिंग होगा 100%। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं वो भी पूरा गाइड कर दिया जाएगा, एग्जाम क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, बस आप लोग को वेट करना है, ठीक है। सभी को सूचित किया जाता है कि इसमें होंडा कार आ रही है मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन हो गई और इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे कि टेलीग्राम चैनल में इस नोटिफिकेशन को भेज देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में जा करके इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जा सकते हैं, ठीक है। बिना कुछ फॉर्म भरे जा सकते हैं, जाने के बाद बस आपको सब कुछ बता दे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय बाय, थैंक यू भाई। और हीरो होंडा मारुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।